अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अबाद अहमद और आप देख रहे हैं राणा प्रोडक्शन। दोस्तों, यूट्यूब की तरफ से बहुत ही कमाल की दो न्यू अपडेट्स आई हैं। मैंने सोचा एक शॉर्ट वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर कर दूं, और ये दो जो अपडेट्स हैं बहुत ही कमाल की हैं और मुझे बेहद पसंद आई हैं ये अपडेट्स, क्योंकि आप तो जानते हैं कि यूट्यूब कुछ ना कुछ अपडेट्स करता रहता है और ये दो अपडेट्स बहुत ही ज़बरदस्त हैं। एज ए क्रिएटर आपको ये अपडेट जानना समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल देखें, इसमें जो न्यू अपडेट्स बताऊंगा बहुत ही कमाल होने वाली हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद है कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नहीं तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। तो दोस्तों, नंबर वन पे जो एक अपडेट है, यूट्यूब अभी न्यू फीचर लॉन्च करने वाला है जो कि ऑटोमेशन टाइटल के बारे में। और जी, ऑटोमेशन टाइटल क्या होता है कि बहुत सारे जो के न्यू यूट्यूबर्स होते हैं वो अपनी कोई भी वीडियोस अगर वो बनाते हैं तो उसको अपलोड करते हैं, तो उनको ये समझ नहीं आता कि वो कौन सा टाइटल बेस्ट है जो के रैंकिंग टाइटल है वो इस पे ऐड करें जिससे उनकी वीडियोस के ऊपर व्यू ज़्यादा आए। तो इस जो फीचर से आपका चैनल ग्रो कर सकता है, व्यूज़ आ सकते हैं, क्योंकि YouTube अब एक न्यू फीचर लॉन्च करने वाला है जिसमें आप कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो YouTube आपको तीन रिकमेंडेड टाइटल यानी कि प्रोवाइड करेगा, जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपके टाइटल बॉक्स में आ जाएगा और उसको आप अपनी वीडियोस में ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, और ये जो टाइटल ऑटोमेशन YouTube हमें प्रोवाइड करेगा, ये रैंकिंग टाइटल होंगे जिसके ऊपर व्यू ज़्यादा आएंगे, और जो और बड़े यूट्यूबर्स हैं उनकी वीडियोस के ऊपर तो व्यूज़ वैसे भी आ जाते हैं, जबकि अगर उन्होंने टाइटल कोई भी लिखा तो उनकी वीडियोस के ऊपर व्यूज़ आ जाते हैं क्योंकि उनके सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन जो न्यू यूट्यूबर हैं उनको एक रैंकिंग टाइटल चाहिए होता है, और यूट्यूब अब हमें खुद यानी कि तीन तरह के टाइटल हमें रिकमेंड करेगा, जिसको जिन में से एक टाइटल हम यानी कि क्लिक करेंगे तो वो हमारी वीडियोज़ के अंदर टाइटल बॉक्स में आ जाएगा। इसको कहेंगे YouTube ऑटोमेशन टाइटल। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है जो YouTube लॉन्च करने वाला है और अभी पर एक्सपेरिमेंट चल रहा है। सेकंड नंबर पे दूसरी जो अपडेट है वो है YouTube रिकमेंडेशन की। अगर आप किसी भी YouTube चैनल के ऊपर जाकर किसी की भी वीडियोस वॉच करते हैं तो आप अगर उसके चैनल के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर आपको न्यू वीडियोज़, ओल्ड वीडियोज़ और इसके अलावा जो के बेस्ट वीडियोस वो आपको शो होती हैं जिनके ऊपर ज़्यादा व्यूज होते हैं। लेकिन अब आपको एक साथ एक न्यू टैब मिलेगा जिसका नाम होगा रिकमेंडेशन। आप किसी भी चैनल के ऊपर जाते हैं, उसकी कोई भी वीडियोस वॉच करते हैं, नेक्स्ट टाइम वो कोई भी वीडियोस अपलोड करता है तो वो अगर आप नहीं वॉच करते तो यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन भेजेगा कि ये वीडियोस आप वॉच करें, और वो ऑटोमेटिकली वो रिकमेंड वाले फोल्डर ऑप्शन में वो शो होंगी वो वीडियोस, और YouTube हमें रिकमेंड करेगा कि आप इन वीडियोस को वॉच करें जो आपने अभी तक वॉच नहीं की। तो एक ज़बरदस्त फीचर है कि हम कोई भी किसी भी चैनल के ऊपर वीडियोस वॉच करते हैं तो हम रिकमेंड ऑप्शन में जाके अपनी वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं जिनको हम पहले वॉच नहीं किया था, और जो कि यूट्यूब हमें खुद ये रिकमेंड वाला ऑप्शन देगा। तो अब आपको कोई भी वीडियो सर्च करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने कोई वीडियो वॉच नहीं की, तो आप उस ऑप्शन में जाकर रिकमेंडेशन में आप वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये दो अपडेट थी, आपको इनमें से कौन सी अच्छी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। थैंक यू।